नमस्कार, मी सचिन मोरे, आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी। पाहूयाच्या काही सविस्तर बातम्या। वाहतुकीचे नियम पाळून आपले जीवन वाचवा असाच काहीसा संदेश देत दादर शिवाजी पार्क येथे हजारो स्पर्धक धावले। द बॉम्बे केरला समाज या संस्थेच्या वतीने 56व्या वार्षिक चालण्याच्या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते। निमित्त होते ते सदर संस्थेला झालेल्या 90 वर्षाच्या कारकिर्दीचे। ही स्पर्धा 5 गटात घेण्यात आली। त्यामध्ये 10 किलोमीटर स्पर्धेत 15 वर्षाच्या आतील मुले मुले सहभागी होते, तर सर्व वयोगटातील महिला व पुरुषांकरिता 10 किलोमीटरची स्पर्धा घेण्यात आली। त्याचबरोबर 65 वयोगटावरील ज्येष्ठ नागरिकांकरिता 5 किलोमीटरची स्पर्धा घेण्यात आली। This is the 90th year of Bombay Kerala Samaj. Bombay Kerala Samaj is the oldest Kerala organization outside Maharashtra, outside Kerala. And this walking race is as part of the Navadi celebration. And we had a grand inaugural ceremony last week, and it has been inaugurated by the Honorable Governor of Maharashtra, Bhagat Singh Koshyari ji. Ye jo hai hamara 56th year continuous chal rahe. Jo मेरा हिसाब से तो इतना जुना कोई वॉकिंग रेस बॉम्बे में भी होएगा मेरे को लगता नहीं है। एंड ये कंटिन्यूस 55 ईयर्स से चल के आ रहे हैं। आज भी आप देखा होगा पार्टिसिपेशन, बहुत सारा पार्टिसिपेशन से इसमें, और हम लोग ने 7 आइटम्स 15 साल से लेके 65 साल तक का जो भी लोगों के लिए अलग अलग आइटम्स 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर वॉकिंग में रखा हुआ है। और बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग फ्यूचर के लिए भी प्लान कर रहे हैं। आप देखने को जाएगा तो ये महात्मा गांधी जी का 150th बर्थ एनिवर्सरी है। बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए उनका जो है हेल्थ टिप, हेल्थ इज वेल्थ, जो भी आपके पास सोना और चांदी जो भी होएंगे उससे सब बहुत मीन्स प्रेशियस है हमारा हेल्थ, वो गांधी जी ने कहा था। तो गांधी जी का जो ये 150th बर्थ एनिवर्सरी का अवसर पर उनको जो ट्रिब्यूट देने के हिसाब से हम लोग ने ये साल का जो वॉकिंग रेस को आयोजन किया है। और जो आप देखने को जाए तो लाइफ स्टाइल डिसीजेस रोज बढ़ते जा रहे हैं। और आप लोग देखने को जाएगा तो जो लाइफस्टाइल है लोगों का, टेंशन, स्ट्रेस, और जो भी फूड में अडल्ट्रेशन और ये सब में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वॉकिंग रेस का जो थीम है फॉलो ट्रैफिक रूल सेव लाइफ। आज आपने को देखने को जाएगा तो जो भी अपना इंडिया में लोग फॉलो नहीं करते, जो इंडियंस बाहर जाएगा तो जितना भी है उधर का ट्रैफिक रूल्स, जो भी रूल्स हर कंट्री का हम लोग फॉलो करते, लेकिन हम लोग जब भी इंडिया में रहेगा तो आप देखने को जाएगा तो रूल्स यही नहीं करते। तो हमारा जो एक इंटेंशन है, क्योंकि जो सब लोगों को ट्रैफिक का इम्पोर्टेंस उन तक पहुँचाइए और वो ट्रैफिक रूल्स को ओबे करो, और हमारा जो प्रेशियस जीवन है, ओ प्रेशियस लाइफ है, उसको सेव करो। दैट इज़ आवर स्लोगन फॉर दिस 56th एनुअल वॉकिंग रेस कॉम्पिटिशन। मैराथन तो बॉम्बे में ये हो रहा है, लेकिन ये वॉकिंग रेस में जो छोटा बच्चे से लेके ये 65 ईयर्स के लोग इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका जो इंथूसियाज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखने को आप जाएगा तो आजकल वॉकिंग का इम्पोर्टेंस कितना, उसको वॉकिंग की वजह से लोगों का फ़ायदा होता है। और मैं अवसर पर जो 55 साल पहले ये जो समारंभ जो आयोजन किया था हमारा जो मेंबर्स है उसका जो विजन को हम उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो 55 ईयर्स से वो ये उन लोग ने ये सब ये किया था, तो उसमें उनका जो विजन को कोई भी मीन्स हमारा जो समाजम का प्रेसिडेंट के हिसाब से हम उसको रेस्पेक्ट देने के अवसर ये कर रहे हैं। अभी जितना भी केरला समाज जो अभी देखिए इतना केरला में जो बाकी के जो संस्था से बहुत आगे बढ़ चुका है, इतना जूना संस्था है, और एक अम्बरला ऑर्गेनाइजेशन है। जितना भी मलयाली लोग है कि महाराष्ट्र में 30-35 लाख के ऊपर केरलाइट्स लोग रहते हैं, बॉम्बे में करीबन 20 लाख लोग हैं, तो 20 लाख लोगों में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है। जो 10 आदमी मलयाली केरला का आदमी किधर भी एक इकट्ठा है उसका एक एसोसिएशन फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये जो है एसोसिएशन सबका पेरेंटल एसोसिएशन है। द बॉम्बे केरला समाजाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या चालण्याच्या स्पर्धेत अबाल वृद्धांनी सहभाग घेऊन ही स्पर्धा यशस्वी केली। मुझे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा, और मैं जब फर्स्ट टाइम आया, मैं अमरनाथ में रहता हूँ, गुरुकुल इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट आया। मेरा ये फर्स्ट पार्टिसिपेशन है, मैं अम्बानाथ से आया हूँ, मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, और मुझे अच्छा लगा बहुत, मतलब इधर आके। 15 है, 10 किलोमीटर रेस था, मैं 2nd आया हूँ। मैं सांता क्रूज से आया था यहाँ पार्टिसिपेट करने, और 10 किलोमीटर वॉकिंग किया,
और अच्छा गया, थर्ड प्लेस लग फर्स्ट हम फर्स्ट नंबर फर्स्ट प्लेस है अबव 15 कैटेगरी में। कि पहले भी किया था थर्ड आए थे, पिछले साल किया था थर्ड आए थे, इस बार किया तो फर्स्ट है। और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल का जो 14 तारीख के लिए उतर लो मुंबई ले लो एंड लक्के याच्यासाठी दॅट वुड पार्टिसिपेट करायसाठी दॅट वुड भगवानने मला चान्स दिला आहे। हां, धन्यवाद। द एज आय वॉज 45 आय बीन टेकिंग पाथ, सो आय एम 85, सो इमॅजिन लास्ट 40 इयर्स आय बीन टेकिंग पाथ अँड दॅट टाइम इट वॉज 10 किलोमीटर्स, नाव इज 5 किलोमीटर्स, बट आय एम फाइंडिंग 5 किलोमीटर्स टू मच। वॉन्ट टू एनकरेज ऑल द यूथ to be active and not to be on the cell phone all the time. They don't want to work hard and eat. Sports and walking gives you health, no need of the doctor. Doctor is away. When you walk, when you run, when you eat, he also teaches you discipline. You'll be a good citizen, not a problem for the country. That's what I say for all the youth. Bombay Kerala Samaj is, they people are very generous. In the international, all the parts I went to Trivandrum, what beautiful planning of this. Mera naam hai Vijay Nair, main Ambarnath ka rehne wala hu, lekin jab se ye is walking race ke bare mein mujhe pata chala tab se main isme participate kar raha hu. Ye mere khayal se 6th ya 8th saal hoga. Main waise har marathon mein koshish karta hu participate karne ko, to last year first time main first prize liya और इस साल भी बाकी के सब प्रोग्राम में साइड में रख के इस वॉकिंग रेस में भाग लिया और मुझे इस साल भी फर्स्ट प्राइज मिला। ये बहुत ही ज़रूरी है, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना अपने लिए तो अच्छा है ही, अपने परिवार के लिए अच्छा है। हम जब ट्रैफिक में होते हैं तो सिर्फ हमारी गलती नहीं, वो ट्रैफिक वालों की भी गलती हम एंटिसिपेट करना चाहिए। वो ब्रेक मारेगा कि नहीं, वो लेफ्ट टर्न लेगा, राइट टर्न लेगा, अगर वो ओवरटेक करेगा, ये सब देखना चाहिए। जान है तो जहान है, वॉकिंग तो ठीक है डिसीज फ्री लाइफ के लिए, हेल्दी लिविंग के लिए, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया ट्रैफिक में तो ये सब आपका काम बेकार चला जाएगा। दादर शिवाजी पार्क येथे द बॉम्बे केरले समाजाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या 56व्या वार्षिक चालण्याच्या स्पर्धेस केवळ केरल्या समाजाचाच नव्हे तर इतर समाजातील स्पर्धक सुद्धा सहभागी झाले होते। हे बॉम्बे केरले समाज पिछले 56 इयर्स आहे आणि पिछले 56 साल से ये करके आ रहे है, ये जो इव्हेंट है स्पोर्ट्स का, तो इसमें क्या है, ये सिर्फ बॉम्बे केरले समाज ही चलाता है ये जो इव्हेंट। बॉम्बे केरले समाज ये सिर्फ केरला वालों के लिए नहीं है बल्कि सब मुंबईकर्स के लिए ये किया जाता है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बढ़ाने का इसमें, और भी एथलेटिक मीट भी हम लोग हर एक साल करते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्स इवेंट सबसे पॉपुलर है बॉम्बे केरले समाज के नाम से। इसमें बहुत सारे जो समाज के सीनियर मेंबर्स, जूनियर मेंबर्स और मुंबई के विविध भाग से आकर ये जो इवेंट में शामिल होता है, और हम लोग उसका ट्रॉफी, रोलिंग ट्रॉफी भी रखा है कई आइटम्स वाइज। इस साल में हम लोग 10 आइटम रखा है कि एज वाइज वेटरन्स एबोव 65 ऐसे, इसी तरफ 10 इवेंट टोटल है। 10 इवेंट का भी अभी समाप्त होने वाला है, उसके बाद में सब ट्रॉफी अभी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। और हमारे समाज अभी नवदी सेलिब्रेशन के मूड में है, 90 साल यानी पिछले 90 साल से ये बॉम्बे में वेरियस चैरिटी एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, इसी तरह बॉम्बे में हम लोग काम करते हैं मुंबई केस के लिए, हमें बहुत खुशी है इसमें। थैंक यू। कैमरामैन किशोर राजाराम, सह स्नेहा पारकर, जनादेश वृत्तवाहिनी करिता।